सदस्यता व्यवस्था से कुछ नहीं होता। निकाला हुआ आदमी सदैव यश लाता है, विजय लाता है, अगर पुरुषार्थ ठीक से किया जाए। दुनिया में जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई वो समूहों ने नहीं करी, वो निष्कासित लोगों ने। और मैं जिसके जन्म की पूर्व संध्या पर खड़ा हुआ हूं वो सबसे बड़ा प्रतीक है। अयोध्या का राजकुमार अगर महल में रह जाता तो राजकुमार रहता, जंगल जंगल भटककर निष्कासन के बाद लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन पाया। निकले हो तो कल बात परिवार को बर्बाद कर रहा हो, उसके घर के बच्चों को बिगाड़ दो, किसी भी देश को बर्बाद कर रहा हो, उसके युवाओं को बर्बाद कर दो। युवा मतलब होता है विद्रोही, रिबेल, डाकू, क्रांतिकारी। उसको कहां है नौकरी वोकरी के लिए रोएगा, वो नहीं मिलेगी, छीन लेंगे। 10 लाख लड़के अगर पार्लियामेंट पहुंच जाएं, आज कितने लोग बैठे हैं? 545 बस, तो 1789 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। लेकिन इन 545 लोगों ने इतने ढंग से इस युवा को बांट दिया है कि तुम्हें नौकरी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज तिवारी। पंडित हो जी, गाना गाओ। जो राम को लाए हैं ऐसा एक ही आदमी नहीं बना रहा। गांधी के साथ यही हुआ, स्ट्रेटेजिकली उस आदमी को पप्पू डिक्लेयर किया गया। मोदी जी भी तो बोल दिए बेटी पढ़ाओ बेटी बटाओ, प्रधानमंत्री है ना आप देश के, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते हैं। भांग खाए हैं वो हमारे होम मिनिस्टर साहब, कैसे बोलते हैं सफेद कपड़ा, आलू बेच रहे मोहल्ले में। बड़े पद पर आप भारत के बैठे हैं, आपके बोली से, आपके बैठने से, आपके एक्शन से वो गरिमा झलक नहीं। पार्टी जैसे ही सरकार बनाएगी हम आपसे 5 वायदे कर रहे हैं। गृह लक्ष्मी स्कीम मतलब 2000 रुपए हर महीने हर महिला को, गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट बिजली के मुफ्त में हर महीने, अन्य भाग्य स्कीम 10 किलो चावल हर परिवार के हर मेंबर को, युवा निधि हर युवा को 2 साल के लिए 3000 रुपए महीने के ग्रेजुएट्स के और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इन निर्णय को लेने के लिए 6 महीने 1 साल नहीं लगेगा, ये पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में निर्णय होगा। ये है 4 वायदे। 5वां वायदा कि महिला को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। कर्नाटक के बारे में बोलिए, इस दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अपने नेताओं की बात कीजिए, कर्नाटक की बात कीजिए, 70% आप अपनी बात कीजिए, 30% कर्नाटक की बात करें, हम मान जाएंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप आधा घंटा बात करो, 1 घंटा बात करो, 70% टाइम आप खुल के अपनी बात करो। कांग्रेस ने मेरे साथ ये किया वो किया, मैं बहुत उदास हूं। मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, अदानी जी का बहुत अच्छा रिश्ता है मेरा, जो बोलना है आप बोलो। और फिर 30% कर्नाटक के युवाओं की बात बोलो, कर्नाटक की महिलाओं की बात करो, कर्नाटक के किसानों की बात करो, आप क्या करने जा रहे हो वो बोलो। आप सब यहाँ आए इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। जी मैं कहावत है, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को बहुत समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, मगर सब लोगों को सब समय के लिए भड़काया नहीं जा सकता, भरमाया नहीं जा सकता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बाबर के जमाने में भी हम संत परेशान नहीं हुए, हमारे पूज्य लोग, हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। हमको रोना आता है, ये हमारे नाम से सरकार बनाते हैं। मंदिर की बात करें, महाराज ने कितनी अच्छी बात करी, ये हमारे नाम से तो खाते हैं और हमें बाहर भगाते हैं। हम परेशान हैं, बहुत दुखित हैं। मैं अकेला नहीं, मैं संत के साथ हूं।